भारत में चीन के फेक अंडों को बेचे जाने की खबर पहले भी आ रही थी, लेकिन पहली बार कोलकाता के एक दुकानदार को नकली अंडे बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता की एक महिला अनीता कुमार ने गुरुवार शाम को करिया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने जो अंडे खरीदे थे वे प्लास्टिक के निकले। अनीता कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि जब वह उन अंडों से ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रही थी तब उन्हें लगा कि ये आर्टिफिशियल है। शुक्रवार की सुबह कोलकाता पुलिस ने दुकानदार मोहम्मद शमीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अंडा विक्रेता अंसारी ने यह दावा किया है कि वह थोक विक्रेता से ही अंडे खरीदता है और ये अंडे फर्जी नहीं हो सकते। पुलिस के अनुसार अंसारी ने आंध्र प्रदेश के एक थोक व्यापारी से 1.15 लाख रुपए के अंडे खरीदे थे। आरोपी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि उस थोक विक्रेता ने चीन से ये अंडे खरीदे हों। आपको बता दें कि मेयर आटिन घोष ने शुक्रवार को कई बाजारों में जाकर जांच शुरू की। दुकान से बरामद किए गए अंडों और अनीता के घर के रखे गए अंडों को टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल केरल में चीन के प्लास्टिक के चावल बेचे जाने की खबर थी। जांच करने पर पता चला कि प्लास्टिक से बना चावल भारी मात्रा में मार्केट में बेचा जा रहा था। इस चावल को आलू, मीठे आलू और प्लास्टिक को मिलाकर बनाया जा रहा था और इसे पकाने पर सूप के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ जाती थी।